हेलो फ्रेंड्स, जुली किचन हिंदी में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी काढ़ा बनाने की रेसिपी जो कि आपको फिजिकली फिट रखने वाला है। बहुत सारे फायदे हैं इसके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कढ़ाई में पानी ऐड करूँगी, तो कढ़ाई मेरा थोड़ा सा गर्म है और यहाँ पर हम 2.5 कप पानी ऐड कर रहे हैं। ये लगभग 500 ml पानी है। यहाँ पर मैं 2 लोगों के लिए काढ़ा बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने 500 ml पानी ऐड किया है। और पानी को थोड़ा सा हम गर्म होने देते हैं। अब पानी को हम मीडियम फ्लेम पे गर्म होने देते हैं। तब तक हम आपको इंग्रेडिएंट दिखा देते हैं हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच अजवाइन लिया है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच घिसा हुआ अदरक, 1/2 स्टिक दालचीनी के, 12 से 15 पत्ते मैंने तुलसी के लिए हैं, 2 लौंग, 5 से 6 दाने क्रश किया हुआ काले मिर्च। और अब हम इसमें 1 बाय 1 करके डाल देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, थोड़ा सा डाल देंगे 1 बाय 1 करके इसमें। और ये जो लौंग है ना, लौंग के जो फूल हैं, इसको आप हाथ से मसल कर डालिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे मसाले होते हैं खुशबूदार, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर देने वाला है काढ़े को, काढ़े में। यहाँ पर मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, ये देखिए। और अब हम डालेंगे यहाँ पे 1/2 चम्मच काला नमक टेस्ट के लिए, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि काढ़े की क्वांटिटी थोड़ा कम नहीं हो जाता एक्चुअल क्वांटिटी से। तो चलिए हम पका लेते हैं इसको मीडियम फ्लेम पे, और बीच बीच में इसको चलाते रहिएगा। यहाँ पर मेरा काढ़ा जो है वो देखिए अच्छे से उबल चुका है, तो हम अच्छे से इसको चला ले रहे हैं, तो इसको बीच बीच में चलाते रहना है। और अभी ये काढ़ा पका नहीं है, इसको हम और पकाएंगे। तो आप इसी तरीके से इसको मिलाते रहिएगा बीच बीच में, और हम वेट कर लेते हैं इसके पकने का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काढ़ा की जो क्वांटिटी है वो कम हो चुकी है एक्चुअल क्वांटिटी से। अब हम इसको इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, तो गैस को ऑफ़ कर लेते हैं। ये काढ़ा की जो कलर है ना, वो भी बहुत ही अमेजिंग कलर आई हुई है। आप देख सकते हैं इसकी कलर कितनी अच्छी है, और खुशबू जो आ रही है वो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है काढ़े से। तो आप इस काढ़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। अब हम काढ़े को छान लेते हैं, और ये हमारा काढ़ा बनकर रेडी हो चुका है सर्व करने के लिए। तो ये जो है ना, बहुत ही फ़ायदा करने वाला है आपको। किसी भी तरह का फिजिकली प्रॉब्लम है, बुखार हो, सर्दी जुखाम में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। या अगर आप बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप इसका यूज़ हफ्ते में 2 दिन कीजिए, और आप इसको कंटिन्यू रखिए। हर हफ्ते आपको 2 दिन पीना है इसको। चाय के जगह पर आप इसको पी सकते हैं, और इसका जो टाइमिंग है ना, ये आप शाम के टाइम में इसको पीजिए बहुत अच्छे रिजल्ट के लिए। और अगर बच्चे को सर्दी जुखाम हो गया है, या फीवर है, या किसी भी तरह का फिजिकली प्रॉब्लम है बच्चे को भी, तो आप ये नेचुरल काढ़ा घर में बनाकर पिला सकते हैं बच्चे को। थोड़ा सा हनी ऐड कर दीजिए ताकि बच्चे को थोड़ा कड़वा कम लगे। अभी का जो मौसम चल रहा है वो बहुत ही बुरा चल रहा है, कोरोना वायरस या फिर जितने भी गंदे गंदे बीमारियाँ हैं वो सब जल्दी अटैक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है इस वजह से। तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाइए इस काढ़े को पीकर। आप वीक में 2 दिन इसको ज़रूर ऐड कीजिए अगर बीमारियां नहीं आने देना चाहते हैं आप तो। और घर के जितने भी मेंबर हैं आप सबको पिलाइए, रेकमेंड कीजिए अपने फ्रेंड्स को, और अब बीमारियां बिल्कुल दूर रहेगी इस काढ़े से। इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है ऑलरेडी, आप वहाँ पर रीड कर सकते हैं जाके। काढ़े की रेसिपी मैंने और भी बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर बाकी काढ़े भी आप देख सकते हैं। मैंने नीम के काढ़े बनाए हुए हैं, और 2-3 ऐसे ड्रिंक बनाया है जो कि इम्यूनिटी सिस्टम को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है, तो आप उस रेसिपी को वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।